हेलो एवरीवन एंड माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूँ। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और ये स्पेशली उन सभी एक्वेरियम हॉबिस्ट के लिए है जो कि प्रेजेंट में हैं, और जो नहीं हैं उनके लिए भी है क्योंकि वो बनना चाहते हैं। क्योंकि एक्वेरियम एक ऐसी चीज़ है, फिशेस ऐसी चीज़ है, नेचर ऐसी चीज़ है कि इसके बिना ह्यूमन इंसान बच्चे या कोई भी हो एल्डर पर्सन, इसमें हमेशा हर वीडियोज़ पर बताता हूँ कि ये नेचर लाइव फिशेस हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से सभी लोग इससे जुड़ते हैं और इसको रखते हैं, केयर करते हैं, इनसे मिलते हैं, इनकी हॉबी रखते हैं। चाहे हम बिजनेस और जॉब करते टाइम पे करें और या फिर हम इसे रिटायरमेंट के बाद या फ्री टाइम या वीकेंड में करें। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा सुने जाने वाला गाना है बेबी शार्क। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, कि एक शॉर्ट वीडियो भी था जिसपे मैं बताया था कि मतलब कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली और लोगों की बच्चों की फेवरेट चीज़ थी वो एक मछली का गाना था, बेबी शार्क डू 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 करके। बहुत ही बेहतरीन गाना है, इसे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मतलब 10 बिलियन मतलब इस वर्ल्ड की पॉपुलेशन की ज़्यादा पॉपुलेशन ने उस गाने को सुना, क्योंकि कई सारे लोग बार बार रिपीट कर करके सुने। मुझे भी ये चीज़ पता है कि वो 7.6 बिलियन पॉपुलेशन इस वर्ल्ड की, तो उस पर कैसे इतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे वो सबको पता है। बट मैं आपको फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, अब इसके बाद जो अपन लोगों के टॉपिक की पूरी ये कहानी चल रही है, आप लोग सोच रहे होंगे मैं कैसे और किस बारे में कैसे इतना बता रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। एक्चुअल में रीज़न ये है कि मेरे पास और एक्वेरियम शॉप, नेचर शॉप, पेट शॉप में सबसे ज़्यादा किड्स बेबीज़ इनके फेवरेट होते हैं, और या तो फिर काफ़ी ज़्यादा हॉबिस्ट होते हैं या जो रिटायरमेंट पर्सनस होते हैं वो हम लोगों से जुड़ते हैं। पेरेंट्स के साथ में बेबीज आते हैं, बेबी लोग आते हैं, किड्स आते हैं, साथ में किड्स आया करते हैं, क्योंकि किड्स हमेशा कभी अकेले तो आ नहीं सकते। कोई 3 ईयर ओल्ड्स हैं, कोई 5 ईयर ओल्ड्स हैं, कोई 7, 10, 8, तो पेरेंट्स हमेशा साथ में होते हैं। किसी के मदर, किसी के फादर, किसी के ग्रैंडपा, कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं, रिलेटिव्स होते हैं। तो मेरे को सबसे अजीब और थोड़ा सा वैसा लगता है, कभी कभी थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता वहाँ पे, तब मुझे अच्छा नहीं लगता जब एक तो बच्चों की ख्वाहिश होती है कि एक बेहतरीन एक्वेरियम लेना है या कुछ भी करना है, एक बेहतरीन तरीके से मछली रखनी है या मछली चाहिए, एक्वेरियम चाहिए, बट वहाँ पे बात जब शुरू हो जाती है और बात आने लगती है, जब बात होने लगती है, डिस्कशन होने लगता है, तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि अरे क्या बताएं, हम तो काफ़ी परेशान हो गए हैं थोड़ा सा, और मुझे अपने बच्चे के लिए एक्वेरियम चाहिए था, और ये एक्वेरियम या बाउल या मछली घर एक चाहिए था जिसमें मेरे बच्चे के लिए आप एक मछली घर दे दीजिए, एक्वेरियम दे दीजिए, कोई छोटा सा या कैसा भी बाउल या कुछ भी जिसमें मछलियाँ रह सकें और बच्चे को खुशी मिल सके उससे। मेरे कहने का मोटिव और इस वीडियो का मोटिव जो ये था कि क्या हम बच्चे के लिए या मम्मी के लिए, पापा के लिए एक्वेरियम ले रहे हैं कि उनको किसी चीज़ का बेनिफिट हो, मछलियों को खाना दें तो उनको पुण्य मिलेगा, या हम एक्वेरियम या फिश बाउल या फिश पॉट लेते हैं तो उस पर हम मछलियाँ रखते हैं या मछलियों के लिए मछली घर खरीदते हैं। मैं तो पहले तो ये कहूँगा, पहले डिसाइड करना चाहिए कि हम बच्चे के लिए ले रहे हैं एक्वेरियम या मछलियों के लिए एक्वेरियम ले रहे हैं। मतलब कि एक्वेरियम के अंदर मतलब रहना तो देखिए मछलियों को है, तो मछलियों के हिसाब से एक्वेरियम लेना चाहिए। और यदि हॉबी नहीं है घर पे किसी की, बच्चे को हॉबी है, सिर्फ वही केयर करना चाहता है एक्वेरियम की, फिशेस की, उसे रखने का शौक है, और हम उसके लिए एक्वेरियम नहीं लेना चाहते, उसको इस हॉबी से दूर रखना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से उन्हें एक बेहतरीन तरीके से कन्वर्ट करना चाहिए, नेचर एनिमल प्रकृति से उनको दूर कर देना चाहिए। एक उन पेरेंट्स के लिए बेहतरीन होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मेरी एक्वेरियम की शॉप है, मेरे पास तरह तरह के लोग आते हैं, मेरे से मिलने आते हैं, मेरे वीडियोस देख के भी आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, किड्स आते हैं, सभी तरह के लोग आते हैं, जिसमें से मैं सबके लिए बात नहीं कर रहा हूँ कि सभी लोगों का मतलब कि यही होता है, बट होते हैं, टॉपिक तो उठते हैं, तो मुझे इसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए था, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, वो किड्स भी हैं जिनके पेरेंट्स आते हैं और अलाउ नहीं करते कि आप इस पर इन्वेस्ट करो या इस पर अपनी हॉबी रखो, फिर भी आते हैं बच्चे लोग और अपना मन मार के चले जाते हैं, जब तो मुझे भी थोड़ा सा हर्ट होता है, मुझे लगता है कि शायद मैं उन्हें किसी तरीके से समझा सकूं, बट मैं एक एक व्यक्ति को, एक एक पर्सन को यहाँ पे बैठा के इतना कुछ कैसे समझा सकता हूँ, आप लोग ज़रा कमेंट करके बताइएगा। तो मैं इस तरीके के कुछ वीडियोस बना के प्रेजेंट करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे वीडियोस को शेयर करें, ऐसे पेरेंट्स के पास जिनकी हॉबी बिल्कुल भी नहीं है नेचर से, फिशेस को लेके,
बट वो किड्स के लिए कर रहे हैं। तो मैं पहले तो ये कहूँगा, अगर आप बच्चे के लिए कर रहे हो तो अपने बच्चे के जगह पे और बच्चे को ना लेके आप मछली के लिए लीजिए एक्वेरियम पहले तो, कि एक मछली रख रहे हैं, दो मछली रख रहे हैं, बाउल में कितनी मछली रखते हैं, एक्वेरियम कितने बड़े, एक्वेरियम में कितनी मछली होती है, इसके बारे में पूरा रिसर्च किया जाए। रिसर्च अपनी सक्सेस हो जाए और समझ में आ जाए कि आप इसको रख सकते हैं, केयर कर सकते हैं, आप या आपके बेबी किड्स किसी को भी, मतलब इतनी हॉबी है या शौक है, तो ही मैं कहूँगा कि आप लोग इसको खरीदें या एक्वेरियम शॉप पर जाएँ। और नहीं तो आप लोगों के लिए बहुत सारे ऑनलाइन विकल्प होते हैं कि आप लोग ऐसी टॉय फिशेस ले सकते हैं, एक्वेरियम शॉप में भी मिलती हैं, ऑनलाइन भी मिलती हैं, कहीं से भी आप ले सकते हैं, टॉय शॉप पे जाके वहाँ से आप ये ऐसे टॉयस ले सकते हैं और अपने बेबीज़ को खुश कर सकते हैं और उन्हें दे सकते हैं, खुद भी इनके साथ भी खेल सकते हैं। लेकिन बिना हॉबी के और सिर्फ बच्चों की खुशी के लिए ऐसे एक्वेरियम ले जाना जिसका फिर आप एक बार तो किसी तरीके से इन्वेस्ट करके एक बार पैसे लगा के ख़रीद लेते हैं, फिर दोबारा उसका कुछ दवाई लेने में, खाना लेने में, फ़िल्टर ख़राब होने में आप लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है पैसे खर्च करने पे। एक्चुअल में ये चीज़ें बहुत ही कम यूट्यूबर जानते होंगे और शायद ही कोई इस टॉपिक पे बात किया होगा। उसका रीज़न ये है कि किसी को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है कि ऐसा होता है, ऐसा लोग पर्सन कर सकते हैं, पेरेंट्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उन्हें कोई बढ़िया फूड दिखाओ तो बोल दें कि अरे बढ़िया फूड नहीं चाहिए मुझे, सबसे सस्ता फूड दे दीजिए। कोई बढ़िया फ़िल्टर दिखाएं तो बोले नहीं और सस्ता और लोकल से लोकल हो दे दीजिए, मछलियों के लिए तो चाहिए, बस फालतू का खर्चा है। तो बस मैं इसके लिए चाहता था कि आपको भी अपने ऊपर लोड नहीं लेना चाहिए, बच्चे को भी लोड नहीं देना चाहिए, एक्वेरियम शॉप में जाके उनका भी मन नहीं ख़राब करना चाहिए। हम लोग बिजनेस अपने हिसाब से अच्छे तरीके से करते हैं, अच्छे मन से करते हैं, अपने शौक से करते हैं, ना कि ऐसे तरीके से करना चाहते हैं, ना ऐसे लोगों के लिए करना चाहते हैं जिनकी वजह से उनको लगे कि वो फालतू का इन्वेस्ट कर रहे हैं, फालतू का शौक कर रहे हैं और उनकी उनके पैसे वेस्ट हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहा और क्या कहना चाहता था जो कि मैंने कह दिया। एक्वेरियम कभी भी हमें बच्चों के लिए नहीं लेना, एक्वेरियम हमें लेना है हमेशा मछलियों के लिए, मछलियों के हिसाब से। जैसे छोटा एक्वेरियम लेते हैं, ये कितना छोटा सा एक्वेरियम, उसके लिए 8 इंच का है, इतना छोटा भी एक्वेरियम लेते हैं, इसमें आप एक पेयर छोटी मछलियाँ रखेंगे वो भी बेहतरीन तरीके से रहेगी। बाउल ले रहे हैं, बाउल में मैं कभी भी सजेशन नहीं देता हूँ कि मछलियाँ रखिए, ना मैं फिर से बोलूँगा कि आप बाउल खरीदिए मछलियों के लिए। बहुत सारे प्रोजेक्ट और बहुत सारी चीज़ों के लिए आते हैं, टॉय फिशेस के लिए आते हैं या बहुत सारे रिसर्च के लिए, जस्ट फॉर एक बीकर का काम करते हैं, बट लोग उसकी मछलियाँ पालते हैं। अब देखिए पालना है तो पाल सकते हैं, पालें आप अपने हिसाब से करें, क्योंकि इस पर मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। आपकी सबकी अपने अपने शौक है, अपने अपना बजट है, अपनी अपनी हॉबी है, लेकिन जितना भी करें ना खुशी मन से, एक चटकता के साथ, एक अच्छे तरीके से काम होता है, बिजनेस होते हैं, शौक होते हैं, बिना अच्छे मन और बिना खुशी के नहीं होता। आप लोग अब समझ रहा पा रहा हूँ कि अगर आप लोग कभी आएंगे तो एक्वेरियम लेंगे तो मछलियों के हिसाब से लेंगे, अच्छे से अच्छा लेंगे, बड़े से बड़ा लेंगे, और नहीं लेना होगा तो आप लोग नहीं लेंगे, और बच्चे को भी दुखी नहीं करेंगे, एक्वेरियम वालों को भी दुखी नहीं करेंगे, और साथ में मुझे भी अच्छा और बुरा नहीं लगेगा कि जब आप लोग मेरी शॉप में कभी आएंगे तो फिर बताएंगे कि पैसे नहीं है, बस मछलियाँ देखने चले आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी करेंगे, मेरे चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।